नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अन्नू। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचारों पर। मध्य प्रदेश सरकार रायसेन जिले के सांची शहर को बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें कि सांची को पहली सोलर सिटी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे सांची स्थित सांची स्टेडियम में करेंगे उद्घाटन। अगली खबर जो है वो आ रही है मेट्रो से जुड़ी। जी हाँ, सितंबर में मेट्रो ट्रायल निश्चित है। मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन की योजना के अनुसार मेट्रो रैक गुजरात के सांवली प्लांट से 15 सितंबर तक भोपाल पहुंच जाएगा। सितंबर महीने में मेट्रो का ट्रायल निश्चित माने जा रहा है। जबलपुर में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला चोर गिरोह की 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तलाशी के दौरान उनके पास से लाखों के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी है। 18 घंटे में हुई बारिश से मध्य प्रदेश के किसानों में जागी आस। बता दें कि सोयाबीन और धान की फसलों को मिला जीवनदान। तेज गर्मी से भी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किया गया पथराव। बता दें कि मंगलवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा नीमच पहुंच चुकी थी। नीमच की रावलकुड़ी पहुंची थी यात्रा, जहां पेड़ के पीछे छिपे उपद्रवियों ने यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं इस पर आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का भी बयान आ गया है। विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि यात्रा पर कांग्रेस के गुंडों द्वारा पथराव किया गया है।